Welcome to the research scholar in Ali University. Shazli. लंदन ऐसा ही था जैसे आज पटना है।
चाहिए, तब्दीलियाँ धीरे धीरे आती हैं, मतलब तब्दीलियों को उसी रफ्तार से लेकर चलने की जिम्मेदारी आज के युवा की है, आज के नौजवानों की। अगर हम आगे नहीं आएंगे तो जाहिर है वो लोग आएंगे जिनको नहीं आना चाहिए। और एक बात बिल्कुल ध्यान में रखिए, इसमें अगर हर जगह होता है, सियासत में ही नहीं, आज पूरे हिंदुस्तान में जिस तरह की नेशनलिज्म और एंटी नेशनलिज्म, अभी आप लोगों ने देखा होगा तीन तलाक, हर दूसरे आदमी के मुंह पर तीन तलाक। जैसे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी समस्या पाकिस्तान नहीं है तीन तलाक, क्या अगर आज तीन तलाक का मुद्दा हल हो गया तो इंडिया जो है यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बन जाएगा। आज ये सब इंडिया का गेम है और माइंड डाइवर्ट गेम है। तीन सालों का विकास तो कुछ हुआ नहीं, विकास के नाम पे क्या हुआ आप लोगों के सामने लग गया, विकास के नाम पे क्या हुआ बताइए, हर बात सी। और विकास के नाम पे कॉरप्शन दरबदर, विकास के नाम पे लैंचिंग हुई, गाय गोबर ये हिंदुस्तान के चुनाव का मुद्दा बने, शमशान पाकिस्तान हिंदुस्तान के चुनाव का मुद्दा बने। और ये सिर्फ इसलिए बने कि वहां पर पढ़े लिखे लोग वहां पे काउंटर करने के लिए मौजूद थे। ये बदनसीबी हमारी है कि जिस देश को आज हम इंडिया 2020 का विजन पहले के देखते हैं, जिसको डेवलप नेशन बनाने के लिए हमारे साइंटिस्ट इतना काम कर रहे हैं, हमारे सोशल साइंटिस्ट इतना काम कर रहे हैं, वहां पे कुछ जाहिर लोगों ने इस तरह की चीजों को लाके हमारे बीच पर रख दिया और हम उसको एडॉप्ट कर रहे हैं, हमें उसको काउंटर करना है। ये राम गरीब का देश है, ये कबीर हुसरो कबीर, ये अशफाकुल्ला खां और शहीद भगत सिंह का देश है। इस देश की आइडेंटिटी, इसकी यूनिटी, इसकी डाइवर्सिटी, ये इसकी पूरी जिम्मेदारी यूथ पे आती है। यूथ इसको लेकर और यूथ को आना होगा और सियासत का नक्शा बदलना होगा, इस तरह से बदलना होगा कि उद्योगपतियों, कारोबारियों और सियासी परिवारों की बात की जागीर नहीं है, ये हिंदुस्तान हमारा है, हमें इसको संवारना, जैसा अशफाकुल्ला खां ने संवारा था अपनी आहुति देकर, इस तरह हमें कुर्बानी का जज्बा पैदा करना है। नौकरियों मांगने जाते चार साल स्ट्रगल करते हैं, चक्कर एक खींच जाती है तब नौकरी मिलती है, क्या सियासत में हम गली गली नहीं घूम सकते, क्या हम अपने माँ बहनों की दरवाजों पर जाकर उनसे अपनी बात नहीं कह सकते, क्या हम गलियों में जाकर अपना मैनिफेस्टो नहीं पहुँचा सकते, मेहनत करनी होगी। मैं बताना चाहता हूँ आपको कि मेहनत करने के बाद मंजिल आपकी कदम चुनेगी और आप लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि इंडिया में आज करप्शन जो करप्शन अपने इतना डीप रूटेड करप्शन है इसको जड़ से उतार उतार फेंकने की जिम्मेदारी यूथ की। और किसी शायर ने बहुत दुख कहा है, किसी शायर ने बहुत दुख कहा है, यकीन है कम अमल पर हम मुहब्बत पा कर आलम जो हद जिंदगानी में है ये मर्दों की तस्वीरें, हमारी हिंदू मुसलमान दोनों होता है, यहाँ अगर हम कभी कौम बोलते हैं तो समझ आता है मुसलमानों की बात करिए, उर्दू का वर्ड कौम है इसका मतलब नेशन होता है। तो अपने नेशनल डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर सभी अलहमदुल्ला यूथ है, आपको यहाँ पर आए और इस टॉपिक पे आए, ये इस बात का क्लियर कट इंडिकेशन है कि आप चाहते हैं पॉलिटिकल रिफॉर्म्स आए और बड़े लिखे लोग सियासत में आए। और इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ कि आप लोगों को आना होगा, सियासत का नक्शा बदलना होगा और हिंदुस्तान को दुनिया पूरी दुनिया में सबसे अव्वल पे लाकर दिखाना होगा। और इस देश के अंदर जो फासिस्ट ताकतें हैं, जो देश को बांटना चाहती हैं हिंदू मुसलमान के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर, हजर और अजान के नाम पर, उन लोगों को आपको किराया जवाब देना है। बहुत बहुत शुक्रिया।